हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल टाइगर में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है हमेशा की तरह। इस एप्लीकेशन का नाम है इंस्टाग्राम। आज मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम तो यूज़ करते होंगे और आप लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम के अंदर एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल पे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब काफ़ी लोग उससे परेशान है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई ये ऑप्शन कैसे हटेगा, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों से हटता नहीं है। तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऑप्शन को कैसे अपने इंस्टाग्राम से रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को कैसे ये ऑप्शन रिमूव करना है अपने इंस्टाग्राम के अंदर से हमेशा के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम के अंदर एक ऑप्शन शो हो रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, आपकी प्रोफाइल पे शो होता हुआ, लेकिन काफ़ी लोग उससे परेशान हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई हमें ये रिमूव करना है, ये कैसे हटेगा। तो इसी टॉपिक को मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, कैसे रिमूव करना है हमेशा के लिए मैं आपको बताया हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको आ जाना है अपनी प्रोफाइल पर। अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, अब यहाँ पे मैं आऊँगा सेटिंग में, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या पता रिमूव का ऑप्शन मेरे को यहाँ पर मिल जाए, बट यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है। अब मैं ऐसे बैक करता हूँ, अब हमें रिमूव का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। बैक करूँ, बैक करने के बाद आपको आ जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको पहले वाले ऑप्शन पे शो करना है सेटिंग एंड प्राइवेसी पे, इस पर शो कर दोगे। इस पर शो करने के बाद अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट सेंटर, नोटिफिकेशन, टाइम स्पेंड, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो है हमें क्या करना है, हमें प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन प्रोफाइल से रिमूव करना है। तो सबसे पहले आपको आना है बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स पे, इस पे आओगे। इस पे आने के बाद यहाँ पे ऐड पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ब्रांडेड कंटेंट का आ रहा है, पार्टनरशिप का आ रहा है, रिस्पॉन्स सजेशंस का आ रहा है, सेव रिप्लाइज का आ रहा है। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जो है अपना अकाउंट स्विच अकाउंट टाइप पे टैप करना है। वहाँ से जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन हट जाएगा। मैं इस पर टैप करता हूँ, अब यहाँ पे लिखा रहा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। अब जो है आपको पर्सनल अकाउंट पे टैप करना है, इस तरीके से टैप करोगे। अब यहाँ पे लिखा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, व्हेन यू स्विच बैक टू अ पर्सनल अकाउंट इन ऐप इन साइट्स विल बी टर्न ऑफ। तो जो आपका पहले से बिजनेस अकाउंट है ना, तो आपको ऑफ करना है। यहाँ से जो है स्विच टू प्रोफेशनल पर्सनल अकाउंट पर टैप कर देना। इस पर टैप करने के बाद आपका जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा, मतलब शो नहीं होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं बैक करके चेक कर लेता हूँ हटा या नहीं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से जो है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन हट चुका है हमेशा के लिए, रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करना। आज की वीडियो में इतनी, अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा।